हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम जी सबको, एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। एवरीवन सुपर एक्साइटेड, सब तैयार हो गए हैं और जा रहे हैं आज अमेरिका। हाँ, लायन से मिलने और प्रकृति से मिलने। बस सब तैयारी हो गई, अब जा रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं 8, 3 घंटे की ड्राइव है इंक्लूडिंग बॉर्डर पे जो भी टाइम लगेगा, वैसे 2.5 घंटे की है। बॉर्डर पे जितना टाइम लगता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, वो इंक्लूडेड नहीं है। तो बने रहो वीडियो में, इसलिए आपको दिखाते हैं कनाडा से US जाने का क्या तरीका है और क्या क्या चीज़ें हैं देखने की, वो भी आपको साथ में दिखाते हैं। सर, ये दोनों रेडी हैं, ये सामान भर लिया है खाने का रास्ते के लिए बच्चों के साथ, इनकी जैकेटें और पासपोर्ट्स। बॉर्डर आ गया, ये देखो सामने, अब इमिग्रेशन क्लियर करते हैं। पीस आर्क, इस पार्क में लोग समर्स में मोस्टली आते हैं, USA वाले और कनाडा वाले जो आपस में पैसे नहीं जा पाते, तो यहाँ पे बैठ के मिलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, फिर अपने अपने USA और कनाडा में लेते हैं। ये है पीस आर्क का अंदर कस्टम्स का ऑफिस, और हमने पे किए हैं $6 अराइवल डिपार्चर के, और बाकी इंस्पेक्शन अगर कुछ होती है तो उसके चार्जेस अलग हैं। फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह डिक्लेयर करने होते हैं, टाइम तो नहीं लगा। हमारे से आगे कोई भी नहीं था, लेकिन जैसे ही हमारा मतलब बायोमेट्रिक्स वगैरह फिर से हो रहे थे अंदर, उसके बाद लाइन लग गई लंबी। तो यहाँ से अब बस निकलते हैं, चलते हैं सियाटल की तरफ। फाइनली एंटर हो गए हैं अमेरिका। हो गया, मैं आलू के पराठे बना के लाई थी और चाय साथ में।
गए, धूप इतने दिन हो गए जब ऐसी धूप निकली ही नहीं, पर यहाँ तो बहुत सी धूप निकली हुई है। कंपनी है ऊपर, ऑफिस होगा किसी का। हाँ, नाम लिख रहा, उसका साइन बना हुआ है। ये है म्यूजियम ऑफ पॉप, म्यूजिक से रिलेटेड म्यूजियम है। इधर गाड़ी लगा दिया पार्किंग में, और डाउनटाउन की पार्किंग तो पता ही है कितनी महंगी होती है। जब निकलेंगे तब पैसे पता चलेंगे। ध्रुव, एंट्री कर ली है भाई, अब जा रहे हैं स्पेस नीडल पे।
स्पेस नीडल की नींव तीन पिलर्स के ऊपर स्थापित की गई थी इन 1961 एंड ऑफिशियली पब्लिक के लिए अप्रैल 21 1962 को ये ओपन किया गया था। इसे बनाने में अप्रॉक्सीमेटली 400 दिन लगे थे और जो इसका स्ट्रक्चर है वो एक आर्टिस्ट डॉन लेमन के एक एब्स्ट्रैक्ट स्कल्पचर जिसका टाइटल द फेमिनिन वन से इंस्पायर होके बनाया गया है। इस स्पेस नीडल को अप्रॉक्सीमेटली 1.3 मिलियन गेस्ट एवरी ईयर विजिट करते हैं और सिंस ओपनिंग 60 मिलियन विजिटर्स अभी तक इसे विजिट कर चुके हैं। इनिशियली इसमें 4.5 मिलियन की कॉस्ट आई थी इन 1962। 2018 में इसका रिनोवेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था जिसे सेंचुरी प्रोजेक्ट कहते हैं और उसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 100 मिलियन के आसपास आई थी। इस टावर की ऊंचाई है 605 फीट और इसका एक 360 डिग्री व्यू है जो 520 फीट ओपन एयर व्यूइंग एरिया है और उसका ऑब्जर्वेशन लेवल रिवॉल्विंग ग्लास का 500 फीट पे है। इसके रिवॉल्विंग फ्लोर पे एक रेस्टोरेंट भी है और जिस पे ओनली रिजर्वेशन करा के ही आप डाइनिंग कर सकते हो। इसे ऑफिशियली एक लैंडमार्क 1999 में डेजिग्नेट किया गया था और इसके टॉप फ्लोर पे पहुंचने के लिए 43 सेकंड्स लगते हैं फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द टावर्स टॉप लेवल एट 520 फीट अबव सियाटल। अभी बस वेट कर रहे हैं, वो वॉशरूम है, उसके बाद बाहर मतलब पूरा 360 डिग्री व्यू है सियाटल का। इस तरफ पूरा ओशियन है, उसके पीछे माउंटेन है, इस तरफ पूरी सिटी है, बड़ा सही व्यू है एक नंबर का। अभी दिखाते हैं जल्दी से। इधर कोई नदी है, स्पाइडर छाप रखे हैं छाप पे। उधर एक ग्राउंड है, इधर ओशियन और पीछे माउंटेन। हेलो हेलो गाइस। कैसा लगा तुम्हें ये जगह, कैसी लगी? अभी जा रहे हैं नीचे रिवॉल्विंग डेक। ब्रो चल, डर लग रहा है फिर।
दोनों बिठा दिए है। हाँ अब आ गया हम बिल्कुल इसके ऊपर। आजा आगे आगे देख क्या दूर है उधर क्या कितना बैठो दूर है उधर इधर एक रेस्टोरेंट भी है बट ओनली रिजर्वेशन उसके बाद सिर्फ रिजर्वेशन पे ही डाइन इन कर सकते हो आप। Welcome back to the elevator. You're currently traveling down on our west-facing yellow elevator, which has a good view of Elliott Bay and Puget Sound. That's all salt water, connects out to the Pacific Ocean, about 140 miles to the northwest through the Strait of Juan de Fuca. Straight ahead of us, you can see Bainbridge Island. Our large passenger ferry fleet go to and from there all the time. Down below us, you can see the white arches of the Pacific Science Center, which was designed by Minoru Yamasaki, who also designed New York's World Trade Center. And directly below us will be Chihuly Garden Glass next door. Once we reach the gift shop, restrooms will be to your left, monorail to the right. Thanks for coming, everybody, and have a great day. अभी नीचे वो ढूंढ रहे हैं मैग्नेट वही लेके जाते हैं हमारी जगह जहाँ भी जाते हैं तो वो ढूंढ रहे हैं बाकी तो चीज़ें तो ऐसी जगह महंगी होती हैं बट ऐसा सुविनियर रखा रहता है अच्छा लगता है हमें मैग्नेट फ्रिजेस पे लगाना। इधर से सुविनियर क्वार्टर्स निकाल सकते हो ये रहे भी फोटो सेलेक्ट कर रहे हैं जो फ्री में खींचती हैं आपकी ईमेल भी आ जाएगी डाउनलोड कर सकते हैं। एक कलाकार आ रहा चल लो रे Thank you.